हेलो ऑल, वेलकम टू टुडे गाइस। आज हम और एक नया टॉपिक सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे और जो कि एक्सरसाइजेस नंबर 20E है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज फर्स्ट 28 सेंटीमीटर, सेकेंड वन 1.4 मीटर, करेक्ट। तो फर्स्ट वन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना है, मतलब पहले समझ लेते हैं सर्कमफेरेंस क्या है। ये एक सर्कल है, ये हमारा उसका सेंटर है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ये जो सेंटर से मतलब ये लाइन आपका पूरा जो एरिया है, ये जो पार्ट मतलब चारों तरफ जो लाइन होगा ना उसी को हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे सर्कल का। जैसे हम रेक्टेंगल में पेरीमीटर पढ़ाया करते थे, सेम टू सेम सर्कल का सर्कमफेरेंस बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया सी, और ये सेंटर से आधा मतलब यहां तक तो रेडियस, और ये टोटल मतलब सेंटर बीच में, ये टोटल मतलब ये जो सर्कल है सर्कल को दोनों तरफ जो जोड़ता है वो हो गया हमारा डायमीटर, करेक्ट। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू 2πr। आप पाई की जगह 22/7 भी ले सकते हो, अदरवाइज 3.14 आपके बुक में जब जब दिया रहेगा मतलब गिवन रहेगा तो आपको नोट करके लिख देते हैं ना क्वेश्चन के साइड पे, तो आपको वही वैल्यू मतलब 3.14 की वैल्यू आपको पुट करना है, अदरवाइज 22/7 आप पुट कर सकते हो। बस इतने आपको याद रखना है सर्कमफेरेंस के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट हमको ये फर्स्ट वन सॉल्व करना है, क्या है रेडियस हमको गिवन है r = 28 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस हमको निकालना है। सर्कमफेरेंस कितना, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम पुट करेंगे 2πr, है कि नहीं। तो क्या यहां पर हम 2 × 22/7 पुट कर रहे हैं और आर की जगह 28, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में 3.14 गिवन नहीं है तो मैं डायरेक्टली 22/7 ले लिया हूँ। जहां पर आपको गिवन रहेगा आपको लेना ही लेना है, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 22/7 अदरवाइज 3.14 कर सकते हैं। तो यहाँ पर कट कर लेते हैं, ये 4, तो 22 × 2 = 44, 44 × 4 कितना आ जाएगा 6, 176, और ये हमारा सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो हमारा आंसर है फर्स्ट वन का। सेकंड वन हम सॉल्व करेंगे, r इज इक्वल टू कितना 1.4 मीटर, तो c इज इक्वल टू 2πr, 2 × 22/7 × 1.4, 2 × 22/7 × 14/10 भी लिख सकती हूँ क्योंकि यहां पर एक पॉइंट है, मुझे पॉइंट हटाना है। अभी क्या करना है, ये 2, ठीक है, ये 2 मतलब 7 को कट किया, 14 से 2 आ गया, तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, 2 को यहाँ 5 में कट कर दिया, तो टोटल 44/5, ठीक है। तो यह हमारा क्या आ जाएगा, 44 को हम 5 में डिवाइड कर लेते हैं, 8.8, और उसका यूनिट है मीटर, जो कि हमारा आंसर है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल whose diameter is 35 centimeter, first one, second one, 4.9 meter. तो पहले हम first number question में हमको क्या given रहता था, radius given था, तो अभी हमको diameter given है। तो देखो r, ये जो मैंने circle बनाया था ये हो गया r, और यहां से यहां तक भी r, मतलब 2r, ये जो diameter total हमारा यहां से यहां तक diameter है, तो diameter हमारा diameter का value क्या है, d = 2r, है कि नहीं, 2r मिला के हमारा डायमीटर बनता है। अब यहाँ पर सेम टू सेम देखो, डायमीटर है तो 35 हमको डायमीटर गिवन भी है, अदरवाइज आपको अगर r भी गिवन रहता तो आप डायमीटर निकाल सकते हो, डायमीटर से r को भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो c इज इक्वल टू 2πr, यहाँ पर 2 और r, 2r, तो ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम पाई d भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, कंफ्यूजन ना हो। और अदरवाइज 2πr के जगह यहां पर हम अगर r निकालेंगे तो d by 2, ठीक है, d is equal to 2r, तो r अगर निकालेंगे इसी में से r निकालेंगे तो d by 2 आप ऐसे लिख सकते हो, d by 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो पाई d फाइनली रह गया कि नहीं, है कि नहीं। तो टोटल हमारा इसी तरह हमको पाई d लगा के इस वैल्यू हम निकालेंगे, क्या है, पहले d is equal to 35 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू पाई डी, तो पाई कितना 22/7, 22/7 × d 35,
जो कि 0, 11 और उसका यूनिट सेंटीमीटर में, आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड वन कर लेंगे, डी इजिकल टू 4.9 मीटर, यूनिट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। सी इजिकल टू पाई डी, इजी हो रहा है ना, तो 22/7 × 4.9, ठीक है। तो अगेन हम 4.9 को मुझे पॉइंट हटाना है, 22/7 × 49/10, 7 7 जा कट हो रहा है, ठीक है। और अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 154/10, सॉरी 10, तो 15.4 और उसका यूनिट मीटर हो गया आंसर। सेकेंड वन ऑल्सो हमारा फिनिश। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके कुछ क्वेश्चन में टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 गिवन है। मैं आपको पहले बोली थी कि जहां पर आपको गिवन रहेगा पाई इज इक्वल टू 3.14, देखो पाई इज इक्वल टू 22/7 वैल्यू है, पाई इज इक्वल टू 3.14 भी उसका वैल्यू है, पर आपको जहां पर गिवन रहेगा, यहां पर गिवन आपको है, तो आप पाई का वैल्यू 3.14 लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर, पाई 3.14, सी इज इक्वल टू 2πr और 2 × 3.14 × r 15, जो कि 2 × 314/100 × 15 मैं कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमको, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 5 20 2 10, ठीक है। तो 3 1 4 × 3 942 942 / 10, जो कि 94.2 हमारा आंसर, 94.2, क्योंकि यहां पर एक 10 बच गया, 10 नीचे है मतलब आपको पॉइंट लगाना है, आंसर हमको फाइनल देना है, तो 94.2 और उसका जो यूनिट रहेगा, मैं भूल गई थी, सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि 15 सेंटीमीटर रेडियस पर है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस हमारा 94.2 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 57.2 सेंटीमीटर। पहले हमको रेडियस गिवन रहता था पहले वाले क्वेश्चन में, अभी हमको सर्कमफेरेंस का वैल्यू गिवन है, वो सर्कमफेरेंस से हमको आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला सेम फॉर्मूला से आर निकालेंगे, सर्कमफेरेंस इजिकल टू 57.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सी इजिकल टू 2πr, आर इजिकल टू इसी में से सी बाय 2π इजिकल टू आर होगा कि नहीं, तो सेम टू सेम आर इजिकल टू सी बाय 2π, ठीक है। तो ये जो ये बस हम राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट करा, नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 57.2 / 2 × π के वैल्यू 22/7, ठीक है। इस 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 57 मतलब 572/10, यहाँ पर ये जो 7 है ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 × 22 रह जाएगा, देखो ये 2 और 22 यहाँ पर है, और बस इसको मैंने पॉइंट हटा के 10 को लिया, और ये जो 7 था यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर 11 पे कट करेंगे 2, इसको 11 पे कट करेंगे 572, 11 पे 11 5 जा 55, 11 2 जा मतलब ये 52 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 को कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 26 × 7, 26 × 7 मतलब ये किसी पे और कट नहीं हो रहा है, तो 26 × 7 2 में ये कट हो रहा है 13, ठीक है 13, तो 13 × 7 91/10 हमारा बच गया, है कि नहीं, है कि नहीं। देखो इसको पहले हमने कट किया 11 पे 2 आया, 11 पे कट किया 52 आया, अगेन हमने इस 52 को ये 2 में कट किया 26 आया, ठीक है।
और 26 को मैंने यहाँ पर एक 2 था ना, ये जो 2 इस 2 में कट किया 13 आया, तो 13 7 जा 91, 91 डिवाइडेड बाय इस 10 तो 9.1, इसको इरेज कर लेते हैं 9.1, और उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमने हमने फाइंड आउट किया 9.1 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।